चुनाव अपने शहरी सफर का आगाज करूं। मैं इब्तदा में ही दो जुमले खुसूसी तौर पर हजरत अब्बास कमेटी जो है उनके लिए और अपने वतन के हर उस नौजवान बूढ़े बच्चों के लिए खास तौर पर जिन्होंने दामे गर्मे कदम सुखने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की है। आप हजरात के ताउन से हर साल की तरह इंसान भी ये प्रोग्राम पाए तकमील को पहुंचने को है। मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनों को, तमाम मातमदारों को, तमाम मौलाइयों को ये जज्बा और बढ़ चढ़ के अता फरमाए। हर एक शख्स को कि जो आजादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपने नाम आयामान में लेखिया लिखवाए। मिलके एक मरतबा फिर बाबा से बलन सलवार पढ़ते हैं। देखिये, मुझे जो वक्त मिला है पेशानी का, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं उतना ही टाइम दूंगा। ये भी मुमकिन है कि 10 मिनट पहले भी बंद कर सकता हूं, रोक सकता हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं और जहां तक मैं ये देखूंगा कि आप आमादा है, मैं कोशिश करूंगा अशार आपको कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अशार सुना। चार मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए जहां जा रहे। जहां आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां में आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहां भी होती है मजलिस वो घर हुसैन, जहां भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। लिखा हुआ सीने पर लिखा हुआ है ये जुल्मो सितम के सीने पर, जो छुप सका ना किसी से वो सर हुसैन, किसी से वो सर हुसैन का है। चार मिसरे मुझे याद आ रहा है, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाजा फरमा हूं कि करबला वालों का पैगाम सुना दे ज़ैनब, करबला वालों का पैगाम सुना दे ज़ैनब, करबला वालों का पैगाम सुना दे ज़ैनब, मकसदे शाहे ज़मन क्या है बता दे ज़ैनब, तो लश्करे जानो जफा गर्दे सफर की सूरत, लश्करे अपने खुद भोगी हवाओं से उड़ा दे ज़ैनब, अपने खुद भोगी हवाओं से उड़ा दे ज़ैनब, अपने खुद भोगी हवाओं से उड़ा दे ज़ैनब।
चार विषय और शेर खारे जनाब हजरत अली असगर से ताल्लुक रखता हुआ मुझे याद आ रहा है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलादा फरमाए, तवज्जो अगर मेरी तरफ हो तो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। प्यासा है तीन दिन का तो परवाह कुछ नहीं। मिश्रा पहुंच गया तो आपकी दुआ चाहता हूं, तो आपकी शक्ल में मुझे लगना चाहिए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। प्यासा है तीन दिन का तो परवाह कुछ नहीं, उनवान उसे का होगा अली के जिहाद का, उनवान उसे का होगा अली के जिहाद का। शोले उठे जो प्यास के, चेहरा झुलस के रह गया। देखिए आपने हौसला बख्शा, अब मेरा भी जी लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि आप सुनना चाहते हैं। अब चार विषय मुझे और याद आ गए, अब जैसे जैसे याद आ रहे हैं मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए जहां जहां खाते हैं। और ये मौके और मुनासबत से भी इंशाअल्लाह ताला ये मैच खाता हुआ मामला रहेगा। अब हाजिर करता हूँ ये चारों विषय मुलाजा फरमाए। ये रेत धूप भी सूरज भी अब हमारा है। हाँ, ये मौलाइयों का मजमा है, पातंदारों का, आजादारों का। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे आप? बहुत साफ सी बात कर रहा हूं, सारी चीजों को आप मिलाते जाइए। ये रेत धूप भी सूरज भी अब हमारा है, ये रेत धूप भी सूरज भी अब हमारा है, ये रेत धूप भी सूरज भी अब हमारा है। मैं नशीनगी हूँ मुझे इसलिए ये प्यारा है, मैं नशीनगी हूँ मुझे इसलिए। दो मिसरे बतौर खास जहां जा रहा था, मैं तिश्नगी हूँ मुझे इसलिए ये प्यारा है, तो फराक कैसे मैं। पूरी तवज्जो, मैंने आपसे कहा है कि सारे मामले आपको मिलाते रहेंगे। तालाब आपके सामने है, पानी जो है मोजे मार रहा है, पूरी तवज्जो। फराक कैसे मैं पी लूं बता तेरा पानी, फराक कैसे मैं पी लूं बता तेरा पानी, फराक सदका तुझे उतारा, कि मैंने प्यास पे सदका तुझे उतारा है, कि मैंने प्यास पे सदका तुझे उतारा। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले में, एक मतलब और दो शेर आपकी खिदमत से पेश करता हूं, दो तीन शेर मुलादा फरमाए जहां जहां रात है, मतलब हासिल करता हूं मुलादा फरमाए। तेरे भाई से और मतलब पर खुश खुशी तवज्जो चाहता हूं आप सबकी, मेरी तरफ मुतवज्जो रही इंशाल्लाह महसूस होगी। तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैना, तेरे भाई
जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब। ये हजरत अब्बास कमेटी के मेम्बरान की खिदमत में ये चारों मिसरे बतौर खास। तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत। उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब। अब इस शेर को बतौर खास मुलाहज़ा कीजिएगा, जहां जहां जा रहा है। तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब। सुनिएगा शेर। छीन कर पाकिरदा तेरे सरे अकदस से। देखिए मैं मसाब के शेर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं मसाब से किस तरह फजाइल निकाल रहा हूं ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं बतौर खास अदा फरमा। तेरे भाई से जिसे भी है मोहब्बत ज़ैनब, उसके कदमों से है लिपटी हुई जन्नत ज़ैनब। छीन कर पाकिरदा तेरे सरे अकदस से गिरदा हो गई ज़ालिम की हुकूमत। एक मिसरा हुआ था उत्तर प्रदेश के फैजाबाद। हाँ मिसरा आपकी खिदमत में पेश करता हूं, कुछ अशआर मुझे याद आ रहा है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। मिसरा था कि जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। मैंने मिसरा पढ़ दिया। मिसरा अगर आप तक पहुंचा होता तो आपकी दाद मुझ तक आगे लगती। मुझे लगना चाहिए कि आप सुनना चाहते हैं। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। एक मतलब चंद शाह आपकी खिदमत में पेश करता हूं बतौर खास।
कौन ये मौजज़ा है, कौन ये मौजज़ा है, कौन ये मौजज़ा है। वक्त दिखा देता है, मतलब बतौर खास कौन ये मौजज़ा है। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा दे रहा है। एक बार बोलिए ना, जिक्र शब्बीर की तौफीक, जिक्र शब्बीर की तौफीक। इतनी बार कहने के बावजूद भी अगर तौफीक ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी मर्जी नहीं है कि वो बोले। जिक्र शब्बीर की तौफीक ये मैं हाजिर करता हूं बतौर खास मौलाना फरमाए। कौन ये मौजज़ा है, कौन ये मौजज़ा है। वक्त दिखा देता है, कौन ये मौजज़ा है। वक्त दिखा देता है, शम्दी-ए-ज़द पे हवाओं की जला देता है। शम्दी-ए-ज़द पे हवाओं की जला देता है। शम्दी-ए-ज़द पे कौन ये मौजज़ा है। वक्त दिखा देता है, शम्दी-ए-ज़द पे हवाओं की जला देता। सुनिएगा शेर बतौर खास लगा फरमाए। सहरे आलम में भी, सहरे आलम में भी मौजूद है, मौजूद है ऐसे बंदे। सहरे आलम में भी मौजूद है ऐसे बंदे। सहरे आलम में भी मौजूद है, सहरे आलम में भी मौजूद है बंदे, जिनके हाथों में खुदा अपनी रजा देता, जिनके हाथों में खुदा अपनी रजा देता है। कौन ये मौजज़ा है, वक्त दिखा देता है। शम्दी-ए-ज़द पे हवाओं की जला से मुलाकात फरमाए। बालों पर, बालों पर चल दरे शब्बीर से ले ले फितर से। हाँ मौला सलामत रखे, आप बोले तो जी लगा, मेरा भी जी लगा। बालों पर, बालों पर चल दरे शब्बीर से ले ले फितर से। बालों पर चंदर शब्बीर से ले ले फितर से, ये तो बिगड़ी हुई तकदीर बना देता है। ये तो बिगड़ी हुई तो हर किसी को ये है, हर किसी को ये है, दौलत नहीं मिलने वाली। हर किसी को ये है, दौलत नहीं मिलने वाली। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा दे। अपना मूड बना लिया है तो मेरा अपना मूड बन गया है। इंशाल्लाह कुछ अशआर आपको सुना के जाऊंगा। देखिए आप आमादा हो गए सुनने के लिए, तो मीसम गोपालपुरी आमादा हो रहा है सुनाने के लिए। शेर सुनिए पूरी तवज्जो। जिक्र शब्बीर की तौफीक खुदा देता है। सुनिए बच्चे वो की
उठाने से नहीं उठ सकता, जिसको अब्बास निगाहों से गिरा देता है। कौन ये मौजज़ा, ये भी शेर देखेगा, देखने मसाब से कैसे फजाइल निकालने की कोशिश की है। जिसको तुम आबिदे बीमार कहा करते हो, जिसको तुम जिसको तुम आबिदे बीमार कहा करते हो, वही बीमार मसीहा को शिफा दे। शिफा देता है वही बीमार। ये जो मैंने अशार सुनाए, ये मैंने अपने अशार सुनाए। अब देखिए, जमीन वही, रदीफ वही, काफिया वही, मुझे हिंदुस्तान की दो अजीम शख्सियतों के दो शेर जो मेरे बहुत करीब हैं, वो लोग मेरे बहुत करीब हैं, उनके दो शेर हमें याद आ गए हैं और मैं चाहता हूं कि उनके भी दो शेर पढ़ दूं। एक शेर इसमें हजरत मोहतरम काजिम जर्मनी साहब का है और एक शेर इसमें आगा रोही साहब का है, और ये दोनों मेरे बहुत करीब हैं, बहुत चाहने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी भी हाजिरी हो जाएगी। अब शेर सुनेगा, वो दो शेर सुनाता हूं, पूरी तवज्जो जहां जहां जात है। जिसको तुम आबिदे बीमार कहा करते हो, वही बीमार मसीहा को शिफा दे। खाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा दे।
है। जी आपकी निगाह बहुत तगड़ी है माशाल्लाह। सलवात बर मोहम्मद बाद अब देखिए आपने अपना मूड बना लिया है तो मेरा मूड बन गया। मैं कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दरगाह हज़रत अब्बास कमेटी और तमाम बाहर से आए हुए और बस्ती के मोमिनीन, ये देखिए लोग कहते हैं, अक्सर ये बात सुनने को मिलती है, कहने को मिलती है, लोग कहते भी हैं और सुनते भी हैं, बारहा हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर और साग बराबर का एक मसला आता है। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी बस्ती को, इस अजीम बस्ती को सलाम करता हूँ जिन्होंने उस मोहब्बतों से नवाजा है कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर कदम पे ये एहसास होता है कि मामला बिरयानी और पुलाव गोश्त का है, दाल भात का नहीं है और साथ और मुर्गी का नहीं रह गया है। ये इस तरह का मामला है और ये वतन के चाहने वालों की मोहब्बतें हैं जिन्होंने इस तरीके से जो है अपनी दुआओं से नवाजा और हमेशा इज्जत देते रहे। खुदा इनको सलामत रखे, इनको आबाद रखे, इन सब का साया हमारे सरों पे बरकरार रहे। आमीन इलाही आमीन। आप तमाम मोमिनों की सेहत और सलामती के लिए जो यहाँ इस मज में आए हैं, उनकी नेक दिली हाजात को पूरी करने के लिए, जायज हाजात को पूरी करने के लिए, उनको हर परेशानी और मुसीबत और बलाओं से महफूज रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा मिल के अजमत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर बाबाज बलंद सलवार पढ़ो। अब देखिए आपने आमादा कर लिया है तो मैं आमादा हो गया हूँ। खुदा के वास्ते लाज रखिएगा, पूरी तवज्जो आपने फरमाइश की है, ताबील हुक्म कुछ इशारा आपके खिदमत में पेश करता हूँ। एक मिसरा अभी रोजे जनाबे बाबुल हवाइज बघरा मुजफ्फरनगर में जो सालाना मजालिस से होती है, बिल्कुल जोगीपुरा में होती है। पहले चार दिन की तब्दीली मजालिस और उसके फौरन बाद वहाँ होती है। तो जोगीपुरा में भी तीन दिन मजालिसों के बाद एक शब्द मसालमा होता है, उसी तरीके से बघरा में भी तीन दिन मजालिसों के एक शब में मसालमे का प्रोग्राम होता है जिसमें हिंदुस्तान के गोशे गोशे से शोरा इकराम मदो किए जाते हैं और वो आते हैं। इस बार उस महफिल में, उस महफिल का जो मिसरा था वो मैं आपकी अदालत में रखता हूँ। खुदा करे कि आप मेरा मूड बना दे कि मैं सारे अशआर आपको सुना सकूं। पूरी तवज्जो, इस बार का जो मिसरा था वो सुन लीजिए क्या था। अलम की शक्ल में अपना निशान छोड़ गया, खुदा के वास्ते अलम की शक्ल में। वहां का मौका यह है कि बाबुल हवाइज तशरीफ लाए थे, किसी बुजुर्ग ने देखा घोड़े से आसमान से नीचे आए जमीन पर, और जिस जगह पे आए उन्होंने उनके घोड़ों के टांकों पर निशाना मौजूद है आज भी और गवाही, और फिर वो एक अलम उन्होंने नसीब किया और फिर वो उस आंखों से उछल गए। तो ये मौजा है वहां का। मिसरा क्या दिया कि अलम की शक्ल में अपना निशान छोड़ गया। खुदा करे कि आप मुझसे सारे अशआर पढ़वा लें, मैंने बड़ी मेहनत की है और मैंने शहजादी सकीना से खुसूसी दुआ की है कि शहजादी आप मुझे ये अता कर दें, मुझे आज आपके चचा की बारगाह में ये पढ़ना है। ये सारे अशआर वही हुए थे, आपकी अदालत में पेश करता हूँ और आपकी भी दुआएं चाहता हूँ। मुनादा फरमाए बतौर खास जहां जहां मुनादा फरमाए। अलम की शक्ल में अपना निशान छोड़ गया, मतलब हासिल करता हूँ। अली के इश्क में, अली के इश्क में अपना बयान छोड़ गया। नहीं नहीं, सबकी दादा नहीं चाहिए इबादत। अगर आप जमात से करेंगे तो सवाब भी ज्यादा मिलेगा, मुझे भी हौसला मिलेगा। पूरी तवज्जो, अली के इश्क में अपना बयान छोड़ गया। अली के इश्क में अपना बयान छोड़ गया, अली के इश्क में अपना बयान छोड़ गया। कटा के दार पे भी समजबान छोड़, कटा के दार पे भी समजबान छोड़ गया, जबान छोड़ गया। सुनिएगा उसने मतलब बता रखा, जा 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 कटा के दार पे मीसम, कटा के
दार पे मीसम जबान छोड़ गया। उसने मतलब देखिएगा, गाजी अब्बास को जहन में रखिए, उनका रोजा करबला में जहन में रखिए, चारों तरफ कब्र के पानी जहन में रखिए। मुझे कुछ नहीं कहना है, अब मैं दूसरा मतलब पढ़ता हूँ। बना के पानी पे, बना के पानी पे अपना मकान छोड़ गया। हाँ जी, मोरा सलामत रखिए। बना के पानी पे अपना मकान छोड़ गया, हमारे वास्ते वो आसमान और ये
आस पास जितनी बस्तियां हैं सब देहात के इलाके में है। इस शेर को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता इस शेर को, और इसकी ताइद आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आप इससे ताल्लुक रखने वाले हैं, इसलिए इसका मजा लेंगे और इस शेर का लुत्फ उठाते हुए अपनी दुआओं से नवा देंगे। सुनिएगा बतौर खास, लहू से सुरख रुख करके, लहू से सुरख रुख करके हुसैन को असगर, पेश करता हूं। हराम हो गए, हराम हो गए जन्नत की उस पे आबो गिज़ा। हाँ देखिए आप घबरा गए ना, आम गिज़ा की गुफ्तगू नहीं है, जन्नत की आबो गिज़ा कैसे हराम हो सकती है। जन्नत की अगर दावा किया है तो इंशाअल्लाह दलील भी पेश करूंगा, मौला के चाहने वालों की खिदमत में दावा अगर किया है तो दलील पेश करूंगा। अगर दलील से वाजा हो जाए मेरा दावा तो मुझे आप सबकी दुआएं चाहिए रात की शक्ल में। सुनिएगा पूरी तवज्जो, हराम हो गए, हराम हो गई जन्नत की उसमें आबो गिज़ा, जो मजलिसों के तबर्रुक की नाम कर रहा है तो दूसरे हाथ से आली की सदा बुलंद कर देना, हाथ उठा देना। नारा हैदरी, आप भूल जाते हैं कि इस वक्त आपको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया। नारा हैदरी, हराम हो गई जन्नत की उस पे आबो गिज़ा, जो मजलिसों के तबर्रुक की नान छोड़ गया, मजलिसों के तबर्रुक की नान छोड़ गया, जो मजलिसों के तबर्रुक की नान छोड़ गया, जो मजलिसों के तबर्रुक की नान छोड़ गया। बिलाल देते हैं लाखों बलाएं अकबर की, बिलाल देते हैं लाखों बलाएं अकबर की, वो ऐसे दश्त बला में अजान। वो ऐसे दश्त बला में अजान छोड़ गया, अजाने छोड़ गया। वो ऐसी सूर्य सिलसिले का आखिरी शेर बताओ,
की शक्ल में अली के इश्क में अपना बयान छोड़ गया, कटा के दार पे मीसम जबान छोड़ गया, कटा के दार पे मीसम। सुभान अल्लाह।